नमस्कार, मैं शांति, मेरी जनरल जिंदगी एक सफर में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं आप लोगों से माफी चाहती हूँ, कुछ दिन तक आप लोग को वीडियो नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसका भी कुछ रीजन था। मेरा मन थोड़ा दुखी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो उसी के बारे में थोड़ा शेयर करूंगी आप लोगों से। तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पा रही थी और वीडियो नहीं दे पा रही थी, उसके लिए सॉरी, सबसे माफी मांगती हूँ। मेरा मन थोड़ा छोटा हो गया था, दुखी हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी। और देखिए, मैं खाना बना बना के बातें करूंगी आप लोगों से। जब दुखी क्यों थी और मेरा मन क्यों नहीं कर रहा था, उसके बारे में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे बताना। मेरा बड़ा लड़का 19 साल चल रहा है उसको अभी। ओ, मैं इधर काम कर रही हूँ तो पैसे पूरा नहीं हो रहा है। अभी लॉकडाउन जब से हुआ है, कोरोना जब से आया है, तब से मेरे भी कमाई पहले जैसे होता था वैसे नहीं हो रहा है। इसलिए उसको शायद एहसास हो गया कि मम्मी के कमाई में केवल हम लोगों का कुछ भी पूरा नहीं होगा। तो यही सोच के वो डिसाइड किया और वो कहीं मतलब काम करने के लिए बाहर चला गया है अभी। तो इसी वजह से थोड़ा मैं दुखी हो गई थी कि मेरा बच्चा कभी मतलब बचपन से मैं कहीं भेजा नहीं हूँ काम करने के लिए, अभी जा रहा है काम करने के लिए, इतना हार्ड काम है, कैसे करेगा कैसे नहीं, इसी टेंशन में मैं रह गई थी। इसी वजह से मैं आप लोगों से बातें नहीं कर रही थी, वीडियो नहीं बना रही थी मैं। आज उसी बेटा ने मुझे समझाया कि माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, उतना तो तुमसे तो बड़ा नहीं हुआ हूँ, फिर भी मैं बड़ा हो गया हूँ, अब टेंशन मत लेना, मुझे कुछ नहीं होगा। और उनके मामा लोगों के साथ गया है और उनके मामा लोग भी बोलता है कि अच्छे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे बच्चे के लिए दुआ करना कि वो सही सलामत रहे और सही सलामत से काम कर पाए और वो वापस आए। आप लोग दुआ करोगे तो वो काम कर पाएगा, क्योंकि बड़ों के दुआओं में बहुत पावर होता है, बहुत मतलब उनको आशीर्वाद मिलता है। तो मेरा बच्चा चला गया, तामिल गया है काम करने के लिए, बड़ा लड़का। तो इसी वजह से मुझे बहुत दुख लग रहा था, क्योंकि मैं कभी भेजी नहीं हूँ मेरे बच्चों को काम करने के लिए। अच्छा नहीं लगा मुझे, सॉरी, बात करते करते रोना आ रहा है मुझे। मन नहीं मानता, माँ का मन नहीं मानता। बाप के सामने बड़े हो जाते हैं बच्चे, लेकिन माँ के सामने कभी बड़े नहीं होते हैं। माँ, एक माँ अपने बच्चों को जैसे पैदा जिस टाइम करता है, उस टाइम जैसे महसूस करता है, वैसे ही बड़ा हो जाते हैं तब भी वही महसूस रहता है। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं अपने के बारे में मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मुझे तो आज भी लगता है कि वही छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वैसे लगता है। आप लोग क्या सोचते हो बच्चों के बारे में, मुझे बताना। बस यही, इसी की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। आज भी कितने मुश्किल से मैं कैमरा के सामने आई हूँ और बना रही हूँ। और एक भी जाना चाह रहा है, उसको 18 साल चल रहा है, वो भी जाना चाह रहा है। मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है कि मेरे बच्चे करीबन 20 साल तक तो कुछ काम ना करें मैं सोचती हूँ, लेकिन गरीबी ऐसी हालत है कि सब कुछ करवा देता है। मेरा बेटा को समझ में आया कि
कि मेरी माँ कमा रहा है, उसके पैसे से कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं जाऊंगा काम करने तो कुछ होगा, शायद यही सोचा और वो गया है। मैं 2-3 बार मना करी, फिर भी वो बोला नहीं माँ कुछ नहीं होगा, मुझे टेंशन मत ले। दिन में 2 बार कॉल करता है, मुझसे पूछता है। उस दिन ट्रेन में बैठा तो मुझे रोना आया, लेकिन मैं उसके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको पता चल गया कि मम्मी रो रहा है बोल के। फिर मैं फोन काट दी। फिर मैं थोड़े देर बाद रुक गई, रिलैक्स हुई, फिर और कॉल करके मैं बातें करी। मैं जो मेरे बड़ा लड़का के बारे में बात कर रही हूँ, वो बचपन से मुझे जानता है, मतलब बचपन से वो महसूस करता है मेरा दुख तकलीफ, छोटा भी। लेकिन मैं बड़ा को के बारे में मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। 3 महीने के था और उसने मुझे एहसास दिलाया कि बच्चे भी माँ की तकलीफ को समझते हैं, मतलब छोटे से बच्चे भी। उसकी गोद में लेके मैं दीवार में ऐसे टच होके उसको गोद में लेके बैठी थी और कुछ कारण था तो मैं रो रही थी। मुझे पता नहीं था कि मेरा बच्चा भी मेरे गोद में है और मुझे देख रहा है और वो मेरे तकलीफ को महसूस कर रहा है। फिर कैसे अचानक उसके चेहरे पर मेरे नज़र गई तो वो भी रो रहा है, मैं रो रही हूँ तो वो भी रो रहा है। ऐसे रो रहा है जैसे कि मुंह बना बना के रोते हैं वैसे। फिर मैं अपना आंसू पोछी, फिर उसको बोली कि बेटा मैं आज के बाद नहीं रोऊंगी, मतलब मैं अपने आप को समझाई कि मैं इसको पकड़ के नहीं रोऊंगी, क्योंकि जो बच्चा होते हैं, छोटा बच्चा भगवान का रूप होते हैं कहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। तो यही बात है, मेरे बच्चे मेरे दुख तकलीफ को समझते हैं, लेकिन मजबूरी है इसलिए मैं बाहर रह रही हूँ और काम कर रही हूँ और मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा रही हूँ। इसी वजह से मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वो विशेष करके मेरे बच्चे के लिए दुआ करिएगा कि वो सही सलामत काम करे और काम में मन लगे उसको और काम कर पाए, कभी काम किया नहीं है, बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ। और आज से कंटिन्यू डेली ब्लॉग देने की कोशिश करूँगी, जो बीच में मैं वीडियो नहीं दी ऐसे नहीं करूँगी, छोटा छोटा 2-3 मिनट का कम से कम वीडियो देने की कोशिश करूँगी। और मेरी तरफ से आप लोगों को खूब सारा प्यार, और मुझे भी प्यार दीजिएगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।